एवरीवन, आई एम योर होस्ट माया अली एंड यू आर वाचिंग ई न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प के लिए अपकमिंग डिजाइनर की एफर्ट। लॉस एंजलिस में फिल्म बैटल लॉस एंजलिस का हुआ प्रीमियर। अब चलते हैं डिटेल्स की तरफ। न्यूजीलैंड के अर्थक्वेक विक्टिम्स की हेल्प के लिए इमेटेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से कराची में फंड रेजिंग एग्जीबिशन हुई, जिसमें 8 अपकमिंग डिजाइनर्स ने अपनी कलेक्शन एग्जीबिट की। इवेंटेस्ट मैनेजमेंट ने ये इवेंट बेस्ट मॉडल पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, मिस न्यूजीलैंड फेस्टिवल ऑफ ब्यूटी और न्यूजीलैंड एशिया पैसिफिक ट्रस्ट की कोलैबोरेशन में किया था अरेंज। इस एग्जीबिशन में पिंक स्टूडियोज, एस्टेलो, द फैशन गैलरी, आसमास क्रिएशन, म्यूजिन, लेलुमा और नादिया ने अपने स्टॉल्स लगाए, जबकि इस एग्जीबिशन के थ्रू सेल होने वाली तमाम प्रोडक्ट्स का 10% शेयर अर्थक्वेक विक्टिम्स को डोनेट किया गया। इवेंटेस मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ उस्मान अमान और मैनेजर पीआर अंजुम चंदना का ई न्यूज से कहना था, हमारा मेन मकसद जो है ये इन्फॉर्मेशन देना और एक नॉलेज को उजागर करना है कि जो न्यूजीलैंड में अभी अर्थक्वेक आया तो हम उनके लिए जो बच्चे यतीम हुए हैं और मफलूज और बेआसरा है उनकी मदद कर सके। एक्चुअली जो मिस न्यूजीलैंड है वहाँ की, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ चैरिटी हमें हेल्प आउट कीजिए, तो उसमें हमने ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करी और इसमें ये 8 डिजाइनर्स आए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये अपने हर प्रोडक्ट की जो सेल आउट होगी उसका 10% जो है वो डोनेट करेंगे। जबकि एग्जीबिशन में मौजूद डिजाइनर्स का कहना था कि तमाम पाकिस्तानी को न्यूजीलैंड की मदद के लिए उठ खड़े हो जाना चाहिए। वी विल बी डोनेटिंग द अमाउंट ऑफ द 10% ऑफ द प्राइस टू द न्यूजीलैंड विक्टिम्स। आई हैव जस्ट ओपन अ न्यू ब्रांड एंड मैं फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, ब्राइडल एट द मोमेंट सब कर रही हूँ। इट्स एट जमजमा और इट्स ओनली बाय अपॉइंटमेंट आए एंड यू कैन, इट्स यूजुअली ऑन ऑर्डर्स। सेमी फॉर्मल्स है वो है प्रेट है, आप आए एंड इफ यू लाइक इट यू कैन बाय देयर एंड देन ओनली। हम यहाँ पे न्यूजीलैंड के अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए डोनेशन जमा कर रहे हैं, जिसमें से हमारा स्टॉल ड्रेसेस का है जो जीजीज के ड्रेसेस हैं डिजाइन बाय असमा। बेसिकली हमारे ब्रांड में फॉर्मल भी है, सेमी फॉर्मल भी है, कैजुअल भी है, साड़ीज भी है, इट्स लाइक पार्टी वेयर ऑल्सो। हमारे यहाँ पे स्टॉल है असमास कलेक्शंस के नाम से। न्यूजीलैंड में जो अर्थक्वेक आया है उसको 10% डोनेट करने के लिए हम लोगों ने ये स्टॉल लगाया। बेसिकली इसमें हमारे पास कैजुअल वेयर्स हैं, इंडियन वेयर ड्रेसेस हैं, ऑल तरह के स्टॉफ्स हैं। मेरा ब्रांड है एस्टेलो, मैं जो पार्टिसिपेट कर रही हूँ इस एग्जीबिशन में, आई थिंक इट्स अ गुड कॉज। फैशन इंडस्ट्री से कई मॉडल्स ने भी इस इवेंट को अटेंड किया जो डिजाइनर्स की इस कोशिश को अप्रिशिएट करते नजर आए। आज हम लोग जिस तरह से जो एग्जीबिशन हम लोगों ने रखी है ये चैरिटी से रिलेटेड है और ये बहुत अच्छा लग रहा है। जो आउटफिट्स आमतौर पे लोगों को लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, जो एक्सपेंसिव होते हैं डिजाइनर आउटफिट, और वो काफी रिजनेबल प्राइस में आप लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि इसके कई रीजन है। एक रीजन तो चैरिटी है और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि चैरिटी में आप जितना दोगे उतना ही बेटर होगा, बिकॉज जिन लोगों को इस वक्त हमारी ज़रूरत है हमारी हेल्प की, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए उनकी। मुझे इनकी कोशिश जो है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, माशाल्लाह। बेशक छोटी कोशिश है लेकिन इनकी कोशिश जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो भी ड्रेसेस है इसमें स्पेशली काफ़ी डिस्काउंटेड है और इसके जितने भी पेमेंट हैं तो उसका ज़्यादातर जो है पेमेंट्स वो उस डोनेशन पे होगा। ये तो था कराची में हुई चैरिटी एग्जीबिशन का एक जायजा। अब चलते हैं हॉलीवुड, जहां एक और फिल्म का हुआ प्रीमियर और वो फिल्म है बैटल लॉस एंजलिस। बैटल लॉस एंजलिस के प्रीमियर को फिल्म की कास्ट ने अटेंड किया, जिनका इस मौके पे मीडिया से कुछ ये कहना था। The fact that it's as real as we can be in a movie, in my opinion, you know, we really went to every length to be as accurate and as real as possible. And the fact that we started off with an idea and I feel like we accomplished that idea, and I think that's pretty rewarding in this day and age in cinema. I think that it's a different style of filmmaking. I haven't seen too many movies like this that actually use this style, kind of documentary style. I mean, I must be trouble for them when they're shooting CGI to be like, you know, they're with you and running and then keeping the alien perfectly in frame. Like, I don't know how they did that.
But I think it lends itself to reality, and I think it's perfect for the tone of this movie. It's a visceral experience. It's an auditory experience because guns are blasting off every 5 seconds, explosions are going off, the smell of gasoline, you know, and when you come home at night and you're spitting out all this black stuff, it's like you really do, and you have to jump into the bathtub and just soak in salt water because the pain from running around all day, it feels real, you know what I mean? It felt like an obstacle course every day. अब तक के लिए इतना ही. मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ई न्यूज़. आई एम योर होस्ट माया अली साइनिंग ऑफ. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.